नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट ललित, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में अभी के समय में सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन सा है और क्यों है। और जो मैं आपको बता रहा हूं एक्सचेंज के बारे में, वो बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं। बहुत सारे एक्सचेंज में जाके हमने देखा है कि उनमें ट्रेडिंग कितनी स्मूथ है, पैसा निकाल पाना कितना ईजी है, और पास्ट में कौन कौन से एक्सचेंज थे उनके कंपैरिजन में मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ये एक्सचेंज क्यों बेटर है और क्या इसमें अच्छी बात है। तो पहले थोड़ा सा पास्ट को देखते हैं कि इंडिया में स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सचेंज थे जो कि बहुत अच्छे भी थे, जैसे कोइनेक्स था, जेपे था, और दूसरे दुनिया भर के एक्सचेंज थे जो कि सही तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रेगुलेशन का रूल आया, वो सारे एक्सचेंज शट डाउन हो गए, और ऐसे में कुछ एक्सचेंज जो थे वो चलते रहे। जैसे एक एक्सचेंज था बिट बीएनएस, और दूसरा था वजीरेक्स जो कि इसके बाद आया था। तो ये दो एक्सचेंज ऐसे थे जो स्मूथली काम कर रहे थे तब भी जब सारे एक्सचेंज बंद थे। तो ऐसे में उन एक्सचेंज के बारे में और जो कोई दूसरे एक्सचेंज होंगे उनको डिस्कस करना वैसे ही बेकार है। तो मैं इन्हीं के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तब बिट बीएनएस था। तो मैंने खुद ने अपना अकाउंट बिट बीएनएस में शिफ्ट किया। बिट बीएनएस पे जाके हम लोगों ने ट्रेडिंग वगैरह करी, ट्रेड करने के बाद उसको देखा, मतलब पैसा निकाल के देखा, तो पता चला कि ये स्मूथ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें इजीली हो जा रही हैं, और पैसा निकालने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, कम समय में पैसा आपके बैंक अकाउंट पे आ जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों ने विड्रॉ के टाइम में एक टिप सिस्टम रखा था उस समय पे। तो वो टिप सिस्टम ऐसा था कि आप जितनी टिप दे रहे हो उस हिसाब से आपका वो डिपेंड कर रहा है कि कौन से नंबर पे आप क्यू में, कौन से नंबर पे आप लोग होंगे। तो वो टिप सिस्टम बाद में इनकी बढ़ती रहती थी। जैसे आपने पेमेंट निकाला विड्रॉ करने के लिए, तो वो 5%, 6%, 10%, 15% ऐसे बढ़ने में लगी है, और आपका नंबर ही नहीं आ रहा था, ऐसा एक समय पे हो चुका था। तो जिस वजह से मुझे लगा कि यार ये एक्सचेंज भी अब बेकार है इस पर काम करना, क्योंकि क्या करेंगे यहाँ पर ट्रेड करके जब इतना ज़्यादा हम कमीशन दे रहे हैं, दूसरा यहाँ पर पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। तो फिर वहाँ पर लगा कि कौन कौन सा दूसरा एक्सचेंज है जो अभी के समय में सबसे बेस्ट है, जहाँ पर बनाया जा सके और ईजिली निकाला जा सके। तो वो एक्सचेंज है वजीरेक्स। तो लास्ट में जो एक्सचेंज मिला वो मिला वजीरेक्स, जिसके बारे में स्टार्टिंग में शायद बहुत पहले ये एक्सचेंज जब ये लॉन्च होने वाला था तो इसके बारे में बहुत हाइप थी, कई सारे लोग पूछते थे कैसा एक्सचेंज है। तो उस समय भी हम लोगों ने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया था, लेकिन जैसे इनने काम करना शुरू किया और एक लंबा टाइम काम किया, तो लगा कि यार ये एक्सचेंज बहुत बढ़िया है और प्रॉपर तरीके से कुछ काम करने के लिए लोग आए हैं। तो सबसे बेस्ट एक्सचेंज है वजीरेक्स। बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई यूज़र इंटरफेस एक्सट्रीमली बहुत इजी यूज़र इंटरफेस है, वो अकाउंट केवाईसी वेरिफिकेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती, पीयर टू पीयर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके अलावा मल्टीपल यहाँ पर को आपको कॉइन के ऑप्शन मिलते हैं, जो भी मेजर कॉइन है जिसमें हमारे जो पर्टिकुलर हमारी इंडियन कम्युनिटी होगी, जो शायद वो लोग ट्रेड करते होंगे, बेस्ट जो भी कॉइन होंगे वो सारे कॉइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट दो बात जो मुझे लगी इस एक्सचेंज में जो सबसे इसको बेस्ट बनाती है, वो पहला तो ये है कि पेमेंट निकालना बहुत इजी है। जैसे ही आपके पास अगर आपको लगता है कि आप निकालना चाहते हो, तो आप उसको USDT में कन्वर्ट करके आप पीयर टू पीयर में जाके इजीली आप निकाल पाते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट ऐसे ही कुछ समथिंग टाइम लगेगा, कभी कभी इससे भी जल्दी वो मैच करके आपको आपके अकाउंट में पैसा भेज देता है अगला बंदा। तो पेमेंट एक तो बहुत ईजी है निकालना, दूसरा ये है कि इनकी जो पार्टनरशिप है वो है आपकी बाइनेंस के साथ। आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, कईयों को पता नहीं होगा, बाइनेंस जो है वो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज है बाइनेंस, ठीक है। तो बाइनेंस के अंदर बाइनेंस वालों ने इनको अपने अंदर इंटीग्रेट किया है। तो अगर आप देखोगे कि बाइनेंस में एक ऑप्शन मिलता है आपको वजीरेक्स वॉलेट का, तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास बाइनेंस में अकाउंट है, बाइनेंस में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप पैसा निकालना चाहते हो अपने इंडिया में अपने अपने पर्सनल अकाउंट में, तो वो आप वजीरेक्स वॉलेट के थ्रू बाइनेंस के अंदर से ही आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि जो भी एसेट आपका है, एसेट को आपने बेचा, और बेचने के बाद या फिर USDT में कन्वर्ट कर दिया, USDT के बाद आप वजीरेक्स में जाके ट्रांसफ़र के ऑप्शन में आपने क्लिक किया, इसके बाद जितना भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ठीक है, जितना भी पैसा निकालना चाहते हो, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से वजीरेक्स में ट्रांसफ़र करके अपने बैंक पे निकाल सकते हो। तो ये सबसे बढ़िया फीचर है।
और बाइनेंस ने अभी सिर्फ एक ही वॉलेट को जो हमारा इंडिया में सपोर्ट करता है वजीर एक्स, उसको अपने अंदर इंटीग्रेट किया है, बाकी कोई वॉलेट नहीं है। तो इस लिहाज से भी वजीर एक्स जो है वो सबसे बेस्ट एक्सचेंज और सबसे बेस्ट वॉलेट आपका बनता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जिनको बाइनेंस सबसे अच्छा लगता है और वो बाइनेंस में जाके ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत फास्ट ट्रेडिंग है, बहुत सारे वैरायटी में आपको कॉइन्स मिलते हैं। तो उन लोग जिन लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अपने एक्सचेंज पे पैसा निकालना चाहते हैं, अपने अकाउंट पे निकालना चाहते हैं, तो उन लोग के पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है तो ये है आपका वजीर एक्स। तो ये कई सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से मुझे वजीर एक्स सही लगता है, और सब चीज़ें जो बेसिक होती हैं प्राइमरी होती हैं वो इसमें अच्छी है। तो जिन लोग को भी ये वजीर एक्स अच्छा लगा और जिन लोग भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हो कौन सा एक्सचेंज बढ़िया है और मुझे भी बता सकते हो। तो नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा वजीर एक्स का, आप लोग जाके जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया वो लोग बना सकते हैं। और कुछ और वीडियोस मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, जैसे कैसे आपने पैसा निकालना है तो उसकी एक प्रोसेस जो है पूरा वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, दूसरा यहाँ से कैसे ट्रांसफ़र करते हो वो भी मैं आपको इसके बाद दिखा सकता हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। जिन लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो।